देख लिया ना कागज क्या पढ़े थे देखिए तो इसको आप देख हम बोल रहे हैं देख लिया ना कागज इसको पढ़े नहीं है क्या पढ़े नहीं है क्या अबे क्या अबे अरे अरे देखो क्या होगा खलिहान है पता नहीं कितना वर्षों पुराना है मुझे नहीं पता लेकिन ये लोग जो हैं कब्जा जमाना चाहते हैं तो उसके वजह से हम गए खलिहान पे मेरे पापा को सबसे पहले एसडीएम जी ने गिरफ्तार कर लिया था अभी कुछ हुआ नहीं था उसके पहले ही कर लिए थे फिर मैंने खलिहान पे गया तो देखा मेरा जो है सब कब्जा कर लिए हैं और खूटा उटा जो भी था गाड़ रहे थे उसको तो मैंने वहाँ बोला तो कह रहे हैं कि इसको पकड़ के अंदर डाल दो बहुत ज़्यादा बोल रही है तो मैंने बोला ये पेपर तो देखिए तो कह रहे हैं क्या है इसमें क्या है नहीं देखेंगे क्या है इसमें तो बोले इसको पढ़िए तो क्या है इसमें लेकिन उसने बोले कि बहुत तुम बोलेगी बोलोगे तो तुमको अंदर अभी डालेंगे और ज़बरदस्ती मुझे लोग अंदर बैठा लिए उसके बाद मेरी मम्मी जो हैं उन वो भी वहाँ पर आ गई मेरी आवाज़ सुन के आ गई तो उनको एक झपड़ मारे वो बेहोश हो गई और उसके बाद नीचे वो गिर गई हम बोले हमको छोड़िए मेरी मम्मी मुझको बुला रही है इतना ज़बरदस्ती उनको पकड़ लिए थे ये लोग छोड़ नहीं रहे थे मुझे अंदर बैठा लिए थे गाड़ी में मैंने बहुत ज़बरदस्ती किया लोग तो जब जाने की इनकी मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उसके बाद लोग नीचे मुझे उतारे तो मैं मम्मी के पास गई तो उनका हालत सही हुआ और इन लोगों को बोले कि मतलब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं एक बार पेपर तो इसको पढ़ के तो देखिए कह रहे हैं नहीं पढ़ेंगे इसमें कुछ नहीं है नहीं पढ़ेंगे बस यही सब हुआ और जो हाथापाई हुआ उनके मतलब आज यहाँ क्या करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं न्याय के लिए आए हैं अभी डीएम साहब से मुलाकात हुई है हाँ डीएम साहब से अभी ये सब मुझे नहीं पता बताएंगे अभी वीडियो मैंने देखा है निश्चित तौर से प्रथम दृष्टिया उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ मिसबिहेव हुआ है अभी मैं जिलाधिकारी से बात किया हूँ किसकी एक उच्च स्तरीय जाँच करा करके और जो भी दोषी लोग हों चाहे उप जिलाधिकारी हों चाहे जो भी लोग हों उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए ऐसा सर कई बार देखा गया उनके उनके द्वारा मतलब कई बार भत्ता कर चुके हैं निश्चित तौर से इस बार वीडियो आया है तो उस पर जांच होगी।